हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंस्टा मौजूद एक जो पेमेंट गेटवे है उसको वर्डप्रेस में हम लोग कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 होता है उसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 का फॉर्म फिल करे, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करे तो इंस्टा मौजूद का पेमेंट गेटवे पेज हमारा आ जाए और पेमेंट करने के बाद मेरा ही वेबसाइट पर सीधे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कैसे कर लें, तो इस वीडियो में इस पूरे ट्यूटोरियल को देखेंगे हम लोग इसको कैसे किया जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग डेमो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एक्चुअली लाइव वेबसाइट हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद उसको हम लोग स्टेप देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट का demo.contentproduct.com इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट गेटवे का लिंक और सारा डिटेल्स दिया हुआ, आप जो चाहें अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं, वर्डप्रेस और PHP दोनों में। चलिए तो हम लोग क्लिक करते हैं, इंस्टा मौजो का डेमो देखते हैं कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 के साथ। यहाँ पर ये जो फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म जो दिख रहा है, ये हमारा कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 में बना हुआ है। वर्डप्रेस का जो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7, आप सभी लोगों ने उसको यूज़ किया होगा। चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं, एडमिशन फ़ी, कॉलेज फी, ट्यूशन फी, कोच भी ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं। हम लोग ईमेल भी चेक करेंगे कि ईमेल अवेल हमारा आ रहा है कि नहीं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट करेगा। चलिए तो आ गया पेइंग टू कॉन्टेंट होटिंग एडमिशन फी, यहाँ पर पेमेंट ऑफ पर्पस 99 रुपीज़, कन्वीनियंस फी। आप इसको चाहे तो चेंज, GST सारा कुछ इसमें ऐड है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको आप हटा भी सकते हैं या कस्टमर से भी कैसे ले सकते हैं। टोटल हो गया 109। ये हम लोग टेस्ट मोड में, ठीक है, यहाँ देखते हैं तो टेस्ट मोड पर है। अगर लाइव मोड में रहेंगे तो यहाँ पर UPI का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। सेंड से अगर इसमें एक फैसिलिटी अच्छा देता है इंस्टा मौजो कि सेंड पर क्लिक करके आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। सेंड बाई SMS क्लिक कीजिएगा तो आपको मैसेज बॉक्स खुलेगा और वहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं, या किसी को WhatsApp से करना है या सो QR कोड करना है, सारा यहाँ पर इंस्टा मौजो सब फीचर्स देता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेट बैंकिंग में आ जाते हैं। नेट बैंकिंग में डेमो में कोई टेस्ट बैंक चूज की और इसको हम लोग क्लिक किए, तो यहाँ से ऑप्शन दे रहा है कि ट्रांजेक्शन आपको सक्सेसफुल करके देखना है या फेल्ड। तो ट्रांजेक्शन यस करते हैं, रिटर्न टू मर्चेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए तो ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर सक्सेस पेज पर हमारा आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और ये जो वेबसाइट का मेरा जो पास URL दिया था उस पर ये हमारा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर ID नंबर जो हमारा जो जनरेट हो गया उसने पास कर दिया। इस तरह हमारा ये काम करता है। अगर इंस्टा मौजो में देखिए, अगर हम तो ये हमारा इंस्टा मौजो का डैशबोर्ड है टेस्ट मोड का, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक पेमेंट हुआ है 16 मिनट्स अगो, बस क्या था एडमिशन फी, नाम दीपू, 120 रुपीज़, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ईमेल कैसे आया होगा, तो ये हमारा ईमेल आईडी है। देखिए ईमेल में जब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो सारा डिटेल्स, पेमेंट आईडी, अमाउंट, कितना टैक्स लिया हुआ, प्रोसेस का पर्पस क्या था वो यहाँ पर दिखा रहा है, किसको पेड किया, कॉन्टैक्ट फोटेक्ट और सेलर का ईमेल आईडी क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग का दिखा रहा है। उसके पहले अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो इसके लिए इंस्टा मौजो देखिए 57 में 2 मिनट बाद सक्सेसफुल है। जब पेमेंट ईमेल आईडी प्रेड डाले थे जिस समय एक ईमेल आ गया था, अगर कोई अगर पेमेंट नहीं करता है तो फिर भी ईमेल आएगा, इस पर क्लिक करके वो अगला पेमेंट कर सकता था। पेजवर्ड लॉस्ट क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया है। चलिए अब इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपना वेबसाइट में जाएंगे, डैशबोर्ड में वर्डप्रेस का ये सारा चीज़ हमको क्रिएट करना है। पर्पस, नेम, ईमेल, फ़ोन, अमाउंट, ये सारा कुछ हमको लेना है। तो यहाँ पर जाएंगे कॉन्टैक्ट, सबसे पहले अगर आपके पास प्लगइन नहीं है तो आप उसको प्लगइन को इंस्टॉल कीजिएगा जिसका प्लगइन का नाम है कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7। और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे, ये इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अगर अपने तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर करेंगे हम लोग ऐड न्यू फॉर्म करेंगे, न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका आप में भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हम लोग क्या क्या लेना था, पर्पस ऑफ पेमेंट, नाम, ईमेल, फ़ोन, या इतना लिखने के बजाय आपको हम नीचे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से उस डॉक्यूमेंटेशन पर जाके
आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा। इस फॉर्म को हम अच्छा से दे देंगे आपको, इसको कॉपी करके डायरेक्टली आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ गया, पर्पस नाम, यहाँ पर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अमाउंट, ये सारा आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 99 कर देते हैं। हम लोग फॉर्म को सेव कर लिए। अब इस कोड को, शॉर्ट कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए, और यहाँ से एक हम लोग नया पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर डेमो 99 दिए हैं तो मेरे लिए इसको डेमो 99 लिख देते हैं, क्योंकि हमको इसको भी तो डिलीट करना ही है, तो आसानी होगा मेरे लिए। डेमो 99 इसको कर दिए पब्लिश, और कुछ नहीं, शॉर्टकट डालकर पब्लिश कर दिया, और हमको कुछ नहीं करना है इसमें। अब इस पेज को करते हैं व्यू। चलिए, हमारा फॉर्म वैसे डिजाइनिंग वैसा नहीं है, लेकिन फॉर्म हमारा रेडी है, तो एक बार फॉर्म फिल करते हैं। अभी सबमिट करेंगे तो ये रीडायरेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, इसके बाद तो रुक जाएगा, आगे नहीं गया। आगे क्यों नहीं गया भाई, हमने तो अभी तक सिर्फ फॉर्म क्रिएट किया है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि फॉर्म को रीडायरेक्ट करेंगे, तब वो और कुछ PHP कोड डालेंगे तो वो हमारा वो पेमेंट गेटवे में आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग प्लगइन ऐड करेंगे। तो फिर से हम लोग डैशबोर्ड में आएंगे, फिर नीचे जाएंगे प्लगइन्स, यहाँ पर करेंगे ऐड न्यू, इसको सर्च करेंगे हम लोग रिडायरेक्ट फॉर कॉन्टैक्ट 47, और इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। अब दूसरा एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है फाइल मैनेजर। ये फाइल मैनेजर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। बस फाइल मैनेजर का काम इतना, कोई भी फाइल अपलोड करने में हमको परेशानी नहीं हो। बाकी सब वीडियोस में ट्यूटोरियल लोगों का ये क्वेश्चन रहता था कि फाइल सर अपलोड नहीं, कहाँ पर अपलोड करना है, कैसे करना है, इसीलिए हम लोग प्लगइन इंस्टॉल करके आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअली में फाइल कहाँ पर आपको अपलोड करना है, और वो फाइल का नाम क्या है, कैसे एकदम रियल A to Z पूरा वीडियो देखिए। इंस्टॉल होने के बाद इसको करेंगे हम लोग एक्टिवेट। होने के बाद नीचे आएंगे, वहाँ पर लिखा होगा WP फाइल मैनेजर, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उस फाइल को करना है अपलोड। किस फाइल को भाई, तो मैंने एक यहाँ पर नीचे में लिंक दे दिया होगा, जहाँ से आप कोड को परचेज कर सकते हैं। बाई कोड पर क्लिक कीजिएगा, तो पेमेंट वेमेंट करने के बाद आपका जो परचेज हो जाएगा, तो आपको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ईमेल में भी आपको फाइल मिल जाएगा जिस ईमेल से आपने परचेज किया है। तो फाइल आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस फाइल को हम लोग कर लिए रीनेम। अब रीनेम करने के बाद इसको कर लेते हैं ओपन। इसमें हमको कुछ कुछ चेंजेस का करने की ज़रूरत है, इतना सारा चीज़ है यहाँ पर, हम लोगों को बस आपको चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना है इस कोड में। इसको चेंज करने के बाद बस आपको अपलोड कर देना है। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर SER URL, यहाँ पर ये हमारा सिक्योर URL है, इसी के थ्रू हम लोगों का पेमेंट होता है। अगर आप डमी पेमेंट करते हैं, मतलब आप टेस्ट मोड के लिए करते हैं, तो यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर API की है और ये टोकन की है, दोनों आपका टेस्ट मोड के लिए है, तो यहाँ पर ये टेस्ट डाला हुआ है। अगर लाइव मोड का करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट को हटा देंगे, और यहाँ पर लाइव का की डाल देंगे, और यहाँ पर भी लाइव का टोकन की डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद पास URL, अगर कोई पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका URL कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर उसका सक्सेस URL दिया हुआ है। टेस्ट मोड में ही यूज़ करना है तो हमको टेस्ट यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं, समझ गए। अगर लाइव मोड में करना तो इसको हटा देंगे, लाइव का ये की डाल देंगे, इसको कर लेते हैं सेव। एक चीज़ को अपलोड करने से पहले देख लेते हैं कि API की या टोकन की कैसे जनरेट करेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहाँ पर टेस्ट मोड के लिए लाइव मोड कैसे करेंगे, बस इसको आपको कॉपी कर देना है, या लिंक पर क्लिक कीजिएगा, और बस आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट इनको कीजिएगा, instamojo.integration लॉगिन करना होगा आपको। अगर ऑलरेडी लॉगिन है डायरेक्टली खुल जाएगा। ये आपका प्राइवेट API है, ये टोकन की है, बस इसी को आपको कॉपी करके यहाँ पर कर देनी है पेस्ट। इस दोनों में है हम सेव, ठीक है, ये सेव हो गया। इस फाइल को अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं फाइल मैनेजर में, पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर करेंगे अपलोड फाइल्स, ठीक है, सिलेक्ट फाइल्स करते हैं। डेस्कटॉप हमारा क्या था, इंस्टामोजो डेमो 99, इसको कर देते हैं ओपन। को अपलोड होने के बाद अब हम लोग आएंगे अपने फॉर्म पे, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे इसमें एक्शंस में, यहाँ पर न्यू एक्शन चूज करेंगे, रीडायरेक्ट ऐड फंक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे।
एक्शंस नाम में कुछ भी दे सकते हैं, ये ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे यूआरएल में कस्टम यूआरएल देते हैं। अब इस फाइल का जो हम लोग फाइल दिया है, इसका हम लोग का पाथ यहाँ पर देना है, ठीक है भाई। पाथ क्या होगा, तो पहले तो मेरा वेबसाइट का यूआरएल होगा स्लैश इस फाइल का नाम होगा। इस फाइल का हम लोग रीनेम करके नाम इसे कॉपी कर लेते हैं, रीनेम इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है हो गया। इतना यार सिंपल स्पेसिफिक वैल्यू क्यूरी करके हमको यहाँ तक हमको डालना है, ठीक है। अब इसको कर देंगे, देते हैं हम इसको सेव। ठीक है कॉन्टेक्ट फॉर्म सेव हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं पेज को, करते हैं सबमिट। अब उस समय जो नहीं जा रहा था, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे ये हमारा पेमेंट पेज पर चला जाएगा, उस समय आगे नहीं बढ़ रहा था, तो पेमेंट पेज पर हमारा आ गया ये सारा कुछ। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, देखते हैं भाई काम कर रहा है कि नहीं सही से। तो यहाँ पर रिटर्न टू मर्चेंट साइट क्लिक किए तो ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आईडी जनरेट हुआ। चलिए इंस्टामोजो का पेमेंट आईडी हमारा ये जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर डैश 49 ये सारा डिटेल्स आपका दिखा देगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, आप होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी आपको इशू हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कहीं से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।